नमस्कार दोस्तों, मिश्री टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाड़ी एस्टीम बहुत टाइम बाद ही हमको देखने को मिल रही है और गाड़ी में भाई बहुत स्पेशल है। इसमें स्टिकरिंग रैपिंग करा रखी है और इन्होंने पुश स्टार्ट सिस्टम दे रखा है। और पुश स्टार्ट ऐसा नहीं है कि चाबी लगाए बिना भी स्टार्ट हो जाती है, चाबी लगाने के बाद ही स्टार्ट होती है। और इसमें छोटे मोटे काम हमें देखने हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हमने चेक किया। ये बेयरिंग इसका ख़राब था तो बेयरिंग खोल रहे हैं। नया आ चुका है दोस्तों, और ध्यान रखने वाली बात ये है, अभी नई गाड़ी में हम क्या करते हैं, जैसे बेयरिंग होता है बेयरिंग प्रेस करा के नया लगा लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ध्यान रखना पुरानी गाड़ियों में, इसे पूरा हब ही चेंज होता है। और इसमें प्रेस करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर प्रेस करवाना कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेयरिंग जो होता है इसके अंदर फिटेड रहता है, इसको निकाल नहीं सकते। तो नया हवा आ चुका है, थोड़ा बहुत इसमें ग्रीस अच्छे से डाल देंगे, हालांकि नया है लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा ग्रीस और डाल देना है इसमें। ये फिट हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, हम नई गाड़ियाँ करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, एडजस्टिंग का यहाँ पे स्क्रू रहता है जो सबको पता है, जिससे हम लाइनर सेट कर लेते हैं, बट इसमें स्क्रू सिस्टम नहीं है, इसमें ये लॉक सिस्टम है। इसको आप हल्का सा आगे खींचेंगे तो लाइनर बाहर आ जाएगा, थोड़ा डाउन करेंगे तो लाइनर अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है इसमें। और रही बात ड्रम की, ड्रम को भी आप बड़ी देख लें कि ये ज़्यादा कटा हुआ तो नहीं है, अगर कटा हुआ है तो उसकी देख लें कितना ज़्यादा कटा हुआ। अगर ज़्यादा कट लग रहा है और आप फिर भी उसको कट लगवा देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, लोकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाईवे वगैरह पे जब कंटिन्यू गाड़ी चलती है, ब्रेकिंग ज़्यादा लगती है, तो ये ड्रम गर्म होके टूट सकता है। तो कट आपको अपने उस पर करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर ज़्यादा नहीं कटा है तो उस पर आप कट लगवा के उसको ओके करवा सकते हैं। और ये भी वैसे ही था, इसमें बहुत मामूली से कट थे, तो लेट पे हमने इसको बढ़िया फिनिश करवा लिया है और अब फिट कर लेते हैं। अब हमने लगा ही लिया है, और लाइनर पे भी पेपर मार लीजिए, मोटा पेपर, और क्रॉस में मारना है आपको, इसको आपको इसको ऐसे क्रॉस में मारना है, जिससे इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी रहेगी, स्लिप नहीं मारता है, इस तरह से क्रॉस में। जैसे मैंने इसको पहले कंप्लीट कर रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए करके बता रहा हूँ किस तरह से करना है इसको। एक बार इस तरह से चलाना है और एक बार इस तरह से चलाना है क्रॉस में। चलिए अब आगे करते हैं इसको फिट। टाइट करने के बाद इसको लॉक कर लेंगे। और ये वाला एडजस्टिंग है जो बता रहा था मैं आपको, स्क्रू लगाएंगे ये बाहर आ जाएगा, इसको अंदर दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बारी है ड्रम की।